बैक आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और आप फोकस करते हैं स्टार सीमेंट एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजय कुमार गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कितनी रिकवरी आई है, कंपनी किस तरीके की डिमांड देख रही है, सब बातचीत करेंगे. पहले तो मिस्टर गुप्ता गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए. पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्राइस इंक्रीज और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और पॉइंट्स रहे हैं सीमेंट सेक्टर के लिए. आपको स्पेसिफिकली आपकी कंपनी को इसका कितना फायदा हुआ इन दोनों ही पैरामीटर्स? जहाँ तक प्राइस इंक्रीज का सवाल है, अभी तो लास्ट दो महीने से हम लोगों ने डेफिनेटली प्राइस हैज बीन कमिंग डाउन. नॉर्थ ईस्ट में भी प्राइस में करीब 10 से 12 रुपए के आसपास की गिरावट आई है पर बैग, और ईस्ट सेक्टर में जो है गिरावट का उससे भी थोड़ी तेज गिरावट है, जो कि करीब 15 से 20 रुपए प्रति बैग की गिरावट देखी गई है. सो अभी प्राइस इंक्रीज की बात नहीं है, क्योंकि ये लार्जली मानसून का सीजन है और इसमें हमेशा डिमांड पे एक प्रेशर रहता है, एंड वॉल्यूम ज़्यादा करने की ललक सब में रहती है. सो इसकी वजह से प्राइस पे एक नॉर्मल प्रेशर देखने को मिलता है. और जहाँ तक सवाल है कॉस्ट के ऊपर, डेफिनेटली हर सीमेंट कंपनी को अपने कॉस्ट के ऊपर काम करती है और हम लोग भी अपने कॉस्ट पे काम कर रहे हैं. बहुत सारे एरियाज पे हम वर्क कर रहे हैं, एक रॉ मेटेरियल कॉस्ट के ऊपर में एंड कोल कॉस्ट के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट डेफिनेटली हमको इस साल देखने को मिलेगा. पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की डिमांड रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है मंथ ऑन मंथ, और अब क्योंकि मानसून ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, क्या एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या पेस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, डिमांड क्या आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें? डेफिनेटली आई थिंक लास्ट अगर मैं क्वार्टर वन के बाद बात करूं तो जुलाई अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है. सो जुलाई में हमने थोड़ी डिमांड ग्रोथ देखी है. एज फार एज हमारे वॉल्यूम हैं वो करीब 4-5% जुलाई में बढ़े हैं एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर. अगस्त में भी हमारे वॉल्यूम करीब 8-10% बढ़े हैं जो करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर के हिसाब से है. तो ऐसा लगता है कि डिमांड में एक लो सिंगल डिजिट की डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल रही है, खास करके ईस्टर्न सेक्टर में. उम्मीद है कि ये डिमांड जो है आगे जाके क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में और अच्छे तरह से देखने को मिलेगी. जैसा मैंने पहले भी कभी कहा है कि ईस्टर्न सेक्टर में बहुत सारे स्टेट्स अभी इलेक्शन में जाने वाले हैं आने वाले 12 से 18 महीने के अंदर में. सो कुछ इंफ्रा डिमांड एंड कुछ स्टेट ड्रिवन डिमांड देखने को मिल रही है. रिटेल की जो डिमांड है वो अभी थोड़ी म्यूटेड है क्योंकि बारिश का सीजन है, लेकिन उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि सितंबर खत्म होते होते डेफिनेटली डिमांड में एक और अपटिक देखने को मिलेगा. ओके सर, सितंबर खत्म होते होते डिमांड में अपटिक देखने को मिलेगा, रिटेल अभी थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी, फेयर इनफ. अभी प्लांट पर आपकी जो कैपेसिटी है उस पर क्या अपडेट है, आप फुली ऑपरेट कर रहे हैं, और आगे अब आने वाले समय में किस तरीके का एक्सपेंशन क्या जरूरी होगा, या अभी यू आर वेल पोजिशन जो अभी फिलहाल डिमांड आएगी उसको कैटर करने के लिए? सो हम लोग ऑलमोस्ट इस समय की आयल से 100% कैपेसिटी जो होती है, जैसे क्वार्टर टू में हम लोग करीब 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करते हैं, हम लोग ऑलरेडी 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑलरेडी हैं. गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-95% के आसपास आ जाती है, और हमारी उम्मीद है कि ज़रूर क्वार्टर थ्री फोर में सिमिलर लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोग देख पाएंगे. जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारी कैपेसिटी अभी नॉर्थ ईस्ट में तो सफिशेंट है. हाँ, ईस्ट में हमारे पास थोड़ी कैपेसिटी कम थी. सो ईस्ट को कैटर करने के लिए हम एक सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट 2 मिलियन टन का लगा रहे हैं सिलीगुड़ी में, जिसके कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में या अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक चालू होने की संभावना है. इस प्लांट के चालू होते ही हमारी जो सीमेंट की अवेलेबिलिटी है खास करके बंगाल और बिहार के मार्केट में बहुत अच्छी हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पे मार्केट शेयर भी गेन कर पाएंगे. सर, एक्सपोर्ट्स पर जानना चाहती हूँ, क्या डिमांड वहाँ पर ठीक हो रही है, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफीज प्रॉमिसिंग और बेहतर परफॉर्म कर रही है इसको?
देखिए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट नेपाल, सम पार्ट ऑफ नेपाल हम लोग यहाँ से कैटर कर सकते हैं. सो अदरवाइज सीमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की संभावना ईस्टर्न सेक्टर में तो नहीं है. और हम लोगों का जो सिलीगुड़ी प्लांट है उससे डेफिनेटली हम लोग ईस्टर्न नेपाल की जो मार्केट है, ऑल्दो वो मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, अबाउट 0.8 से 1 मिलियन टन की मार्केट है, सो हम लोग उसमें जरूर चेष्टा करेंगे कि कुछ एक्सपोर्ट हम लोग कर पाए. अदर देन दैट सीमेंट में एक्सपोर्ट कोई बड़ी बाजार नहीं है. ओके फेयर एनफ, सो वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं. और फाइनली सर एक आखिरी सवाल, जीएसटी की काउंसिल बैठक लगातार होती है और सभी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किस तरीके से जीएसटी कम किया जाए, दरें कम की जाए डिमांड स्पर करने के लिए. सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ और स्पेसिफिक सेगमेंट्स में रॉ मटेरियल पर आपको लगता है इस वक्त कुछ रेट रैशनलाइजेशन की जरूरत है? देखिए हमारा तो हमेशा से रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहा है कि सीमेंट को 28% की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है. एक सिन टैक्स की तरह सीमेंट को 28% के हिसाब से टैक्स किया जा रहा है. हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन में ये कहा है कि सीमेंट पे एक्साइज जीएसटी की कम होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज हैं. आज के टाइम में जीएसटी का कलेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, और ओवरऑल कोविड की वजह से जो डिमांड में स्लो, बहुत सारे सेक्टर्स में डिमांड स्लो हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट जीएसटी के कलेक्शन पे है. बट लगता है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टिमुलस के हिसाब से जीएसटी के कुछ ना कुछ कटौती जरूर करेगी, और बहुत सारे सेक्टर्स को इससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी. ऐसा बहुत सारे प्रधानमंत्री जी के खुद के और वित्त मंत्री जी के बहुत सारे भाषणों से हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहीं कुछ तो कंसिडर करने पर विचार कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि सीमेंट में भी कुछ जीएसटी का रिडक्शन आएगा. ओके, उम्मीद है कि सीमेंट पर भी जीएसटी का रिडक्शन आएगा और सीमेंट मेकर्स के लिए एक अच्छी खबर होने की साबित हो सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीमेंट सेक्टर पर बातचीत करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए. तो ये थे स्टार सीमेंट के MD & CEO हमसे बातचीत करते हुए. एक छोटा सा ब्रेक